फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कारण के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं, रीजन्स हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट 1951 से लेकर 81 के बीच निरंतर उच्च वृद्धि दर के कारण भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो विस्फोट मतलब इजी से इसके वर्ड्स से ही समझ में आ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका जो कारण्स हैं, रीजन्स हैं, वो हम देखेंगे। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या रीजंस रहे हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उच्च जन्म दर, जन्म दर से अभिप्राय एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं वह जन्म दर कहलाती है, और 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे मरते हैं वह मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके दो कारण हैं, एक तो उच्च जन्म दर और एक निम्न मृत्यु दर। तो इन दोनों का ये रीजंस होता है इसके कारण। अब अलग हम देखेंगे कि जन्म दर अधिक होने के क्या कारण और फिर मृत्यु दर कम होने के क्या कारण है, ये देखेंगे। सबसे पहले उच्च जन्म दर क्या होती है कि जब 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म जो लेते हैं वो होती है जन्म दर, ठीक है ना। अब वो ऊंची जा रही है तो उच्च जन्म दर कहलाएगी, ठीक है ना। अब 1000 व्यक्ति के पीछे जितने बच्चे मतलब मर रहे हैं उनको बोलेंगे मृत्यु दर, है ना, निम्न मृत्यु दर उसको। अब बात कर रहे हैं जन्म दर अधिक होने के जो कारण है, रीजन से क्या क्या है। अब निर्धनता समाज के में बच्चे परिवार विशेष पर अधिक भार नहीं होते बल्कि वे परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन होते हैं। निर्धनता क्या है, निर्धनता गरीबी जो पॉवर्टी, ये बहुत बड़ा रीज़न बना है जनसंख्या जन्म दर अधिक होने जो कारण है, ठीक है ना। क्या क्या कारण रहे हैं जन्म दर अधिक होने के, निर्धनता एक कारण रहा है क्योंकि क्योंकि जो निर्धन लोग क्या होते हैं वो बच्चों को ये नहीं समझते कि वो परिवार पे बोझ बनेंगे बल्कि उनको सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन समझते हैं, ठीक है ना। सेकंड है कृषि व्यवसाय। भारतीय जनसंख्या बहुत बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। कृषि में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, परिवार का बड़ा आकार सुसंगत है। कृषि व्यवसाय क्या होता है, भारतीय जनसंख्या बहुत बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। कृषि पर डिपेंड है जो भारत के जितनी भी बहुत सारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, और कृषि में काफ़ी श्रम बल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो श्रम बल कहने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं कि परिवार का बड़ा आकार उनको ठीक लगता है इसलिए वो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं। थर्ड है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब किसी अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रारंभिक दशा में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो वे लोग अपने जीविका स्तर में सुधार करने की अपेक्षा परिवार के आकार में वृद्धि करने लगते हैं। प्रति व्यक्ति में आय में जब वृद्धि हो जाती है, जब किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटा इनकम जो होती है वो जो होती है कि जब वो बढ़ जाती है लोगों की, तो वो क्या करते हैं अपनी आय की बचत करने की बजाय वो क्या करते हैं परिवार के आकार में वृद्धि करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है उच्च जन्म दर का। फोर्थ है बेटे की अभिलाषा। भारत में पुत्र के प्रति समाज का रवैया भी बड़े परिवारों को प्रोत्साहन करता है। पुत्र के बिना एक स्त्री का सामाजिक दर्जा आदरणीय नहीं होता। तो जो है बेटे की अभिलाषा का मतलब कि जो बेटे पैदा होने की जो अभिलाषा है लोगों में, उसके कारण भी जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। जब बेटे नहीं होते तो वो बेटी होती जाती हैं, तो उसकी वजह से जो एक एक फैमिली के पास पे ज़्यादा 5-6-7 जितने भी बच्चे होते हैं ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली। भारत के प्रचलित संयुक्त परिवार प्रणाली की भी उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित करती है। संयुक्त परिवार प्रणाली में भारत में सामाजिक सुरक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत है। संयुक्त परिवार मतलब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये भी एक उच्च जन्म दर का क्या है कारण है कि उसमें लोगों को प्रोत्साहन करा जाता है सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट वी कम ऑन निम्न मृत्यु दर। अब निम्न मृत्यु दर होने के क्या क्या रीजंस रहे हैं तो उसको हम बात करेंगे, उसके क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है। पहले तो हम देख लेते हैं निम्न मृत्यु दर क्या होती है, कि अब 1000 व्यक्तियों के बीच जितने बच्चों की मृत्यु होती है वो सब मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है ना। इसके रीजन है महामारी पर नियंत्रण, महामारी प्लेग चेचक तपेदिक तथा मलेरिया जैसी बीमारी जिनके लाखों लोगों को जाने जाया करती है उन पर कारगर ढंग से काबू पा लिया। मतलब जो सरकार के द्वारा क्या करा गया है, जो ये जो भी बीमारियां होती हैं, जो महामारी होती हैं बड़ी बड़ी, उनको नियंत्रण करने के लिए क्या है, उनको उन पर काबू पाने के लिए क्या करा गया है, जो भी योजना वगैरह चलाई गई हैं या फिर जो भी लोगों को फैसिलिटी दी गई हैं, उसकी वजह से जब ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, तो जब बीमारियां नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, लोगों को लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे कि मृत्यु दर कम होगी, है ना। सेकंड पॉइंट है अकालों पर नियंत्रण। 1943 के अकाल के बाद 20वीं सदी में अन्य कोई भी विकट अकाल नहीं पड़ा। कई राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि इस स्थिति का डटकर सामना किया गया। जब हमारे देश में अकाल पड़ जाता है, खाने पीने की कमी जो भी है, है ना, तो जब उसको अकाल बोलते हैं, तो जब अकाल पड़ता है किसी भी देश में तो वहाँ की जनसंख्या उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। खाने पीने की कमी हो जाती है या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनकी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो इनकी कमी होती है तो क्या होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो फिर क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन पर कंट्रोल का किया गया बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी है ये जो इनकी मृत्यु दर है वो कम होती जा रही है। स्त्रियों के शिक्षा प्रसार, स्त्रियों के शिक्षा का प्रसार तेज़ी से बढ़ रहा है। शिक्षित स्त्री अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करती हैं और शिशु मृत्यु दर कम होने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो लोग आज करके लेडीज़ हैं वो अपने क्या है कि स्त्रियों अच्छे से पालन पोषण करती हैं, अपने बच्चों का देख रेख करती हैं, तो इस वजह से जो बच्चों का वो है, वो जो है बच्चों का क्या बच्चे अच्छे स्वस्थ रहते हैं, तो इस वजह से वो भी ये भी एक रीजंस रहा है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, निम्न मृत्यु दर की संतुलित आहार। पौष्टिक तथा संतुलित आहार के प्रति लोगों की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, इससे भी मृत्यु दर काफ़ी कम हुई है। पौष्टिक आहार, लोग क्या होते हैं कि आजकल पौष्टिक आहार बैलेंस डाइट लेते हैं अपने खाने पीने में, पौष्टिक आहार की सब चीज़ों का बैलेंस तरीके से लेते हैं, दाल वाल जो भी हरी सब्जियां हैं, तो उससे क्या होता है हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि वो भी हमारे निम्न मृत्यु दर का एक रीज़न बनती है। हमारा लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, शहरी तथा जागरूकता का बढ़ना, शहरीकरण तथा जागरूकता का बढ़ना। शहरीकरण क्या होता है, हमारे जो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, शहरीकरण जो बढ़ रहा है और उसमें जागरूकता बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को शहरी क्षेत्र में लोगों का अपने स्वास्थ्य सफाई संबंधी विशेष चिंता होती है, इससे कब्जों से कस्बों और शहरों में भारी मात्रा में मृत्यु दर कम। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे साफ सुथरे रहेंगे और अपने खाने पीने पर ध्यान रहेंगे और जागरूक रहेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तंदुरुस्त रहेंगे, उससे भी हमारी जो है निम्न मृत्यु दर रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही है हमारी आज की वीडियो, जनसंख्या विस्फोट हमने बताया और उसके कारण्स बताए, रीजंस बताएं। और तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।